हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर के बारे में देख रहे हैं। तो मैंने बताया था कि इसमें जो टाइप्स हैं ना, बहुत सारे टाइप्स हैं जो हम बहुत देख भी चुके हैं। पहला टाइप्स क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, फाइनाइट स्टेट वायर, उसको हम लोगों ने देखा था। उसके बाद देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या है, करंट करिंग सर्कुलर वायर विच इज इन द फॉर्म ऑफ आर्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सेंटर। बाद में हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सर्कुलर वायर एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करिंग सर्कुलर वायर एट इट्स सेंटर क्या होता है, उसके बारे में हमने देखा था। तो मैंने वहां बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट एट इट्स सेंटर इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा, टू आर। क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब यदि देखो यहां क्या है, नंबर एक टर्न है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एन टर्न्स दिए हुए हैं। एन टर्न्स में हमेशा याद रखना जो टर्न्स का जो हाइट होगा, जैसे देखो यही क्या हुआ, एन टर्न्स हुआ। देखो क्या हुआ, यहाँ एक सर्कुलर लूप है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, आई मीन वन कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर लूप है ना, कॉन्सेंट्रिक एंड कोएक्सियल है ना। क्या है सर्कुलर लूप, एन नंबर ऑफ सर्कुलर लूप क्या है, एक जगह रख दिया गया। लेकिन कंडीशन क्या होता है उसमें, कि जो थिकनेस होता है वो रेडियस के रिस्पेक्ट में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। तो हम क्या करते हैं कि उस केस में एक लूप के द्वारा हम क्या करते हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। और फिर यदि नंबर ऑफ लूप से, नंबर ऑफ टर्न से यदि हम मल्टीप्लाई कर दें, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, ये अपने को मालूम चल जाएगा। तभी हमने क्या कंसीडर किया है यहाँ, कि एक क्या है सर्कुलर लूप है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन है, कैपिटल एन। इसमें एंटी क्लॉकवाइज क्या है, करंट फ्लो हो रहा है। तो आप ध्यान से देखना कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे क्या होगा, डीएल क्रॉस है, और क्या होगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड होगा ना। अब देखो इसी को क्या करोगे, ऐसे है, देखो सर्कल कैसे ऐसे है, जब इसको ऐसे देखो, अभी फील्ड क्या है, सर्कल ऐसे है, इमेजिन करो सर्कल क्या है, ऐसे है, ऐसे है ना, और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अब इसी को हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसी को यदि हम ऐसे टर्न कर दें, तो अभी करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। अब इसी को मैं ऐसे टर्न कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, ये वाला केस है। ठीक है, तो आते हैं, ये क्या है नंबर ऑफ टर्न, इसमें क्या है एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, मैंने एक टर्न के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक लूप से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। फिर यहाँ डॉट साइन क्या इंडिकेट करेगा, कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फिगर ए एट ओ विल बी क्या होगा, आउट ऑफ द। उसी तरह यहाँ भी देखोगे, यहाँ क्या है करंट जो है वो क्या है, क्लॉकवाइज है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो क्या होगा, इन टू द क्या होगा। अब इसको यदि आप ये ऐसे है, देखो ऐसे है, ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर है, किधर है, अंदर है, देखो ये अंदर है, यही क्या है, यही सोचना है, यही देखो ये क्या है, ये वाला जो इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट, अंदर, ठीक है, क्या है, अंदर। अब इसको जब ऐसे टर्न कर दोगे, कैसे, ऐसे देखो, तो ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर हो गया, आई मीन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे आएगा, इधर से जाएगा, कॉन्सेंट्रिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक लूप होता है, जो हमने देखा है। यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या होगा, टू आर, कैपिटल एन। तो नंबर ऑफ टर्न्स क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्या देखेंगे, यहाँ भी हम क्या देख रहे थे, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स सेंटर, एट एनी पॉइंट एट इट्स सेंटर। यहाँ क्या देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस क्या होगा, एक्सिस के क्या है, देखो यही क्या है, सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप को कैसे रखा गया, ऐसे रखा गया, कैसे रखा गया, ऐसे रखा गया, ठीक है।
अब यहाँ करंट कैसे फ्लो हो रहा है देख सकते हो आप, करंट कैसे फ्लो हो रहा है देखो, ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे। तो यदि देखो ये ऐसे लूप पहले ऐसे था है ना, अब इसी को करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड होगा। अब हमने इसको टिल्ट ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। आई मीन याद रखना है कि अलविद मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक्सिस के अलोंग लाई करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ सिमेट्री कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ऐसे वेक्टर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेट होता है, तो हम क्या करेंगे सिमेट्री। अब देखो क्या है, एक करंट कैरिंग लूप है, सर्कुलर लूप है जिसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कैपिटल एन है ना, और इसमें करंट जो है आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है एक्सिस पे, उस पर अपने को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड का बावर्ट सावर्ट लॉ यदि मैं यूज करूं तो देखो क्या है। अभी हमने क्या मान लिया, देखो हमने क्या किया यहाँ, डायमेट्रिकली अपोजिट, देखो ये क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट, एक करंट एलिमेंट हमने ये लिया तो दूसरा कहाँ लिया ये, और फिर सिमेट्री से सिमेट्री यूज करेंगे। तो देखो इस करंट एलिमेंट आईडीएल के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीबी होगा, वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। और इस करंट एलिमेंट के द्वारा डायमेट्रिकली लिया हूं तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, ऑलवेज क्या होता है आर पे परपेंडिकुलर होता है, आर पे क्या होता है, तो देखो ये आर पे क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया, तो डीबी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। यदि ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो बाई सिमेट्री से आप बोल सकते हो कि कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप विल क्या होगा, कैंसिल आउट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग क्या होगा, एक्सिस ऑफ द लूप, क्या होगा, डायरेक्टेड अलोंग क्या होगा, एक्सिस ऑफ द लूप, किधर डायरेक्टेड होगा, एक्सिस ऑफ द क्या होगा, लूप के अलोंग डायरेक्टेड होगा, ठीक है। तो अब यदि हम लिख सकते हैं यहाँ, ये समझ में आया देखो, तो इधर क्या हो जाएगा, ये समझ में आया ना, देखो ये डीबी और ये क्या हो जाएगा डीबी, तो डीबी साइन थीटा क्या हो जाएगा, डीबी साइन थीटा किधर होगा, एक्सिस के अलोंग। तो हम बोल सकते हैं यहाँ बाई सिमेट्री क्या होगा, बाई सिमेट्री सिमेट्री मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट क्या होगा, एनी पॉइंट ऑन एट एनी पॉइंट पी ऑन इट्स एक्सिस इज ऑलवेज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस, ऑलवेज जो होगा वो क्या होगा, एक्सिस के अलोंग क्या होगा, डायरेक्टेड होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, डी बी एट पी इज इक्वल टू क्या होगा, डीबी डीबी इंटू क्या हो जाएगा, देखो ये कितना है, ये 90 माइनस, तो डीबी का इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, साइन थीटा, तो डीबी साइन थीटा, ये क्या हुआ इक्वेशन। अब डीबी कैसे, हम डीबी का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल, यही होगा ना, दिस इज नथिंग बट द क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी एल। अब आई डी एल हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो आई डी एल आप देखो यहां से बायोट सावर्ट लॉ यूज करोगे, यही है आई और ये क्या है, तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखो डी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई
ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस क्या होगा आर अपॉन आर के, यही होगा। और आप ध्यान से देखना कि ये जो आर होगा और डी एल होगा, देखो आर कैसे होगा, इधर होगा, यही देखो यही क्या है, ये आर है और डीएल इधर है, तो डीएल और आर के बीच जो यहाँ एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं डीएल इज परपेंडिकुलर टू द क्या होगा आर। तो यदि आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो डीबी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या लिख सकते हैं। अब ये देखो क्या है, एक टर्न के द्वारा लूप क्या है, एक टर्न के द्वारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, एक टर्न है। यदि n टर्न होगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हम क्या करेंगे, क्या करेंगे n टर्न से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, वो बाद में हम करेंगे। तो यहां हम लिख सकते हैं, अब क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, नाउ फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या होगा एंड सेकेंड। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, देखो डी बी पी इज इक्वल टू क्या है, डी बी का वैल्यू रख दो तो म्यू नॉट आई अपॉन क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा डी। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वन टर्न, क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू वन टर्न ड्यू टू वन लूप। तो हमने क्या माना है कि नंबर ऑफ टर्न्स और नंबर ऑफ लूप कितने हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, तो नंबर ऑफ टर्न से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ये बाद में लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ लिख देंगे कि क्या होगा बी पी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटीग्रेशन डी एल, और डी एल कितना हो जाएगा, डी एल कितना होगा 2 पाई आर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो बी पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई साइन थीटा अपॉन क्या होगा 2 पाई टू क्या हो जाएगा 2 आर। ठीक है, क्या होगा 2 आर स्क्वायर, सॉरी 2 आर स्क्वायर, ये गलत लिख दिया 2 सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्या होगा 2 पाई, यही होगा ना। ये किसके द्वारा हुआ, एक टर्न के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ से बी पी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर है ना आर साइन थीटा। अब साइन थीटा क्या होगा देख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, अरे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर होगा क्या। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बी पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं आर क्यू। ठीक है, अब आर क्यू यहाँ से देखोगे तो कितना मालूम चलेगा, देखो तो आर क्यू का वैल्यू रखोगे आर का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या होगा 3/2। तो यही क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द क्या होगा एक्सिस ऑफ द लूप सर्कुलर लूप। ठीक है, ये आपको क्या करना है। अब ये किसके द्वारा, एक टर्न था। ठीक है, यहाँ अभी हम क्या करेंगे, बाद में अभी डायरेक्शन में लिखेंगे। तो क्या होगा, इफ नंबर ऑफ क्या होगा, नंबर ऑफ लूप्स इज क्या होगा
नंबर ऑफ लूप्स और नंबर ऑफ टर्न्स इज क्या होगा एन, देन क्या हो जाएगा देन नेट मैग्नेटिक फील्ड आई मीन देन बीपी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नेट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या होगा ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपको याद कर जाना है ठीक है दिस इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस ठीक है अब देखो यहां अब मैं आपको बता रहा हूं देखो कि क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो ठीक है ये ध्यान देना है अब यहां क्या क्या केसेस होंगे उसको हम देख लेते हैं अब यदि क्या होगा देखो केस क्या होगा इफ क्या होगा इफ एक्स इज क्या होगा जीरो देन क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या हो जाएगा टू आर हम जानते हैं कि किसी भी x जीरो का मतलब क्या होगा कि पॉइंट P जो होगा वो क्या होगा सेंटर से कॉन्साइड हो जाएगा जो हम पहले से ऑलरेडी जानते हैं ठीक है दूसरा क्या होगा इफ x इज मच मच स्मॉलर देन क्या हो जाएगा R यहां भी देख लो क्या होगा इफ x इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा R देन B एट P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यूनट ठीक है एन आई आर स्क्वायर देखो ध्यान से दोनों के लिए सेम म्यूनट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर क्यूब इंटू क्या होगा वन प्लस एक्स अपॉन आर द क्या होगा होल स्क्वायर थ्री बाई टू ये कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हम क्या कर सकते हैं नियरली जीरो मान सकते हैं तो दोनों केस क्या हुआ सेम ही हुआ तो इस केस में भी क्या होगा कि म्यू नॉट आई अपॉन क्या होगा टू तो एक्स जब बहुत छोटा होगा तभी भी क्या होगा एक्स जब छोटा होगा तभी भी क्या होगा एक्स व्हेन एक्स इज मच मच स्मॉलर देन क्या होगा आर और एक्स इज जीरो इन बोथ द केसेस द मैग्नेटिक फील्ड will be क्या होगा equal to the magnetic field at the क्या होगा center of the circular ring ठीक है तीसरा जो यहाँ केस मिलेगा कि तीसरा केस क्या हो सकता है देखो ध्यान से if x is क्या होगा much much greater than क्या होगा r यहाँ देखो क्या होगा कि if क्या होगा if x is much much greater than क्या होगा r then क्या होगा b at p is equal to क्या होगा mu not i r square upon 2 into क्या हो जाएगा x cube into 1 plus r by x क्या होगा the whole square के power 3 by again a वाला जो term होगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है तो इस केस में तो बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट अपॉन टू पाई एक्स क्यूब ठीक है क्या होगा एक्स क्यूब इंटू क्या होगा देखो ध्यान से पाई आर स्क्वायर क्या होता है आई और दिस इज कॉल्ड क्या होगा दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ या मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट ऑफ क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल ठीक है तो यहां से क्या होगा
कि बी एट पी इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नट, ठीक है, इसको हम एम लिखते हैं कैपिटल एम अपॉन क्या होगा टू पाई क्या हो जाएगा, वेयर एम इक्वल टू क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ ये चीज याद रखना है अभी, तो एम इक्वल टू क्या होगा, वेयर एम इक्वल टू क्या होगा पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा। तो यहाँ एक चीज याद रखना है कि वेन एक्स इज आई मीन क्या होगा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल फॉर एनी पॉइंट विच इज वेरी लार्ज, विच इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि क्या होगा कि करंट कैरिंग सर्कुलर लूप क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ यहां लिख सकते हैं इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा आर देन, ठीक है, देन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप विल बिहेव लाइक ए क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। ये क्या होगा देखो, अब यहां मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा याद रखना है कि एरिया ऑफ द लूप इनटू क्या होगा करंट इन द लूप, क्या होगा एरिया ऑफ द लूप इनटू क्या होगा करंट इन द लूप, ठीक है। ये क्या होगा उस सिचुएशन में, देखो ध्यान से, यहां इस सिचुएशन में मैग्नेटिक जो देखो डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि उसमें दो पोल होगा, इधर क्या होगा ये बार मैग्नेट की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, यही क्या होगा दिस इज एक्सिस, क्या है दिस इज एक्सिस, और यहां करंट कैसे फ्लो हो रहा है आई, यहां क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा देखो ध्यान से, ऐसे क्या होगा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का होगा ये डाइपोल, आई मीन इधर से फील्ड लाइन क्या होगा, इधर से भी देखो ये क्या होगा, इधर कुछ फील्ड लाइंस क्या होंगे इधर से इंटर करेंगे और इधर क्या होंगे ये क्लोज लूप होता है, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, यहां मैंने दिखाया नहीं, ये क्या होगा क्लोज लूप होगा, ठीक है। तो यहां जो क्या होगा ये वाला इधर क्या होगा ये साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है और इधर क्या होता है नॉर्थ पोल, आपको मालूम है ना कि बार मैग्नेट इसको हम बोलते हैं, ये बार मैग्नेट में क्या होता है जहां फील्ड लाइन इंटर करता है उसको साउथ पोल बोलते हैं और जहां से इमर्ज होता है उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या होता है बिहेव करता है मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, यदि करंट क्या होगा देखो ध्यान से, तो मैग्नेटिक डाइपोल कितना होता है करंट इनटू क्या होगा आई, यहां देख लेंगे अभी मैग्नेटिक डाइपोल हम डायरेक्ट कर, यहां क्या है ऐसे है, यदि लूप क्या होगा ऐसे होगा लूप, यदि आई मीन करंट कैरिंग लूप, देखो ध्यान से ये समझना जरूरी है, ऐसे होगा आई मीन करंट क्या है ऐसे होगा, अभी क्या है करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, कैसे ऐसे देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा यही एक्सिस होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां क्या होंगे ठीक है, यहां जस्ट क्या होंगे तो इधर कहीं नॉर्थ पोल होगा और इधर क्या होगा साउथ, आगे जब बार मैग्नेट पढ़ोगे कभी कभी ये पूछा जाता है, तो यहाँ क्या होगा इस केस में आई मीन क्या होगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न, ये सिंपल याद रखना है क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है पैटर्न, ठीक है। ये क्या होगा नॉर्थ पोल और ये क्या होगा आई मीन जब भी क्या होगा
एक्स बहुत ही ज्यादा बहुत ही बड़ा होगा तो क्या होगा, करंट कैरिंग जो क्या होगा, सर्कुलर लूप जो होगा वो क्या होगा, फॉर एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस इट्स बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब आप देखोगे इसके बाद यहां, अब मुझे यदि ग्राफ ड्रॉ करना है जनरली तो हम कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस क्या है, तो बी का बी जो है वो क्या दिया हुआ है, देखो यार वेरिएशन ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी विथ एक्स। देखो यहां जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसे, कुछ ग्राफ ऐसे होगा, देखो यहां यही क्या हो गया, x इक्वल टू जीरो, सेंटर पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, कहाँ होगा, सेंटर पे, यही क्या होगा, जीरो कॉमा बी। तो लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द क्या होगा, एट द सेंटर ऑफ ए क्या होगा, सर्कुलर लूप इज ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज मैक्सिमम, ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इधर बी देख लो और इधर क्या होगा, ठीक है। तो सेंटर पे ऑलवेज जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और सेंटर से अवे जब जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो यहाँ फॉर्मूला क्या था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर क्या है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल, यही हम डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इस पे फॉर्मूला आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, और इस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, इस पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना, ठीक है, और ये याद कर जाना है, क्या करना है, इस फॉर्मूला को रट जाना है, ठीक है। अब यहाँ मैं बता देता हूँ मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है, ठीक है, यही बता देता हूँ, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों ने पढ़ा है, तो क्या होगा, करंट कैरिंग, अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा तो उसको मैग्नेटिक डाइपोल हम कैसे कंसीडर करेंगे, ठीक है, बहुत ही दूर पॉइंट होगा तो उसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ सिंपल याद रखना है कि कोई भी क्या होगा, करंट कैरिंग लूप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लूप ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह क्या होता है, बिहेव करता है। तो करंट कैरिंग क्या होगा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑलवेज करंट कैरिंग सर्कुलर लूप वी हैव ऑलवेज नहीं वी हैव लाइक ये क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या हुआ, उसमें करंट कैरिंग जब भी सर्कुलर लूप होगा तो उसमें दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और क्या होगा, दूसरा साउथ पोल होगा, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, समझ में आया ना। तो क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इसको बार मैग्नेट से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो क्या है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑलवेज बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, द मैग्नेटिक डाइपोल। अब क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन होता है, मैग्नेटिक
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल इज क्या होगा डिनोटेड एज कैपिटल एम और क्या होगा ठीक है अब देखो इसको हम कैसे डिफाइन करें ठीक है तो कोई भी क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा और वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होता है जैसे देखो क्या यही क्या है इस करंट कैरिंग क्या है सर ठीक है क्या है करंट कैरिंग क्या है सर्कुलर लूप है ठीक है इसका एरिया आपका क्या होगा अब यदि देखो यहाँ ध्यान से यहाँ एरिया वेक्टर क्योंकि मैंने क्या बताया मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो क्या होता है एरिया वेक्टर होता है ठीक है तो आपको कुछ नहीं करना है क्या करना है कि लूप ले लूप कंसिडर कर लो करंट कैरिंग क्या है लूप दिया रहेगा तो आपको क्या करना है देखो कि करंट के डायरेक्शन में क्या करना है राइट हैंड पाम के फिंगर को क्या करना है कर्ल करना है और क्या है कर्ल करना है और क्या देखना है आपको करंट का डायरेक्शन सॉरी थंब का डायरेक्शन देखना है जो थंब का डायरेक्शन होगा वही क्या होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा क्या होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आउटवर्ड होगा किधर होगा आउटवर्ड होगा क्या होगा एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आउटवर्ड ठीक है तो यहाँ बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर क्या होगा एरिया वेक्टर क्या है तो यहाँ आप मैग्नेटिक मोमेंट जो डिफाइन करोगे ठीक है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन समझ में आया ना क्या करना है करंट के डायरेक्शन में राइट हैंड पाम के फिंगर को क्या करना है कर्ल करना है और थंब का डायरेक्शन देखना है तो देखो यहाँ एरिया का डायरेक्शन किधर है आउट यहाँ इस केस में देखोगे तो एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा ए फिगर क्या होगा फिगर ए दिस इज फिगर क्या होगा यहाँ बोल सकते हैं कि एरिया वेक्टर ऐसे लिख दें इस केस में तो हम क्या लिखेंगे डॉट लिखेंगे ठीक है इस केस में हम क्या लिखेंगे एरिया वेक्टर जो है वो क्या है यहाँ क्या है डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज क्या होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप ठीक है एंड ये क्या है आउटवर्ड एंड आउटवर्ड या आउट ऑफ द बोर्ड यहां क्या है इनटू द बोर्ड ठीक है तो ये आपको क्या करना है देखो यहां देखोगे कर्ल करोगे करंट के डायरेक्शन में यदि वायर के अलोंग करंट के डायरेक्शन में यदि क्या करोगे फिंगर को कर्ल करोगे थंब जो होगा क्या होगा अंदर होगा यहाँ एरिया वेक्टर क्या होगा आउटवर्ड होगा और यहाँ क्या होगा इनवर्ड तो यहाँ अब क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर मैं एम कंसीडर कर ले रहा हूँ मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है करंट इन द लूप इनटू क्या होता है एरिया वेक्टर क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट This is क्या है करेंट इन द लूप लूप एंड दिस इज क्या है एरिया वेक्टर ठीक है तो यहां से आप देख सकते हो कि सिंपल क्या करना है कोई भी करंट कैरिंग वायर है तो क्या करना है उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर मैग्नेटिक डाइपोल कंसीडर कर सकते हैं और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्या होगा करंट इन द लूप इनटू क्या होगा एरिया वेक्टर क्या होगा करंट इन द लूप इनटू क्या होगा
एरिया वेक्टर। अब यहां बता सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, यहां अब यहां ए लिख सकते हो, नोट में क्या लिखोगे कि क्या होगा द आई मीन मैग द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द क्या होगा लूप, एंड पैरेलल टू क्या होगा, एंड पैरेलल, पैरेलल टू एरिया, आई मीन क्या होगा एम इज ऑलवेज पैरेलल टू क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना है कि इसका जो डायमेंशन होगा वो क्या होगा, एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा, एसआई यूनिट क्या होगा ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इज क्या होगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन तो तुम लिख ही सकते हो। एक और पॉइंट लिखना है कि इफ द नंबर ऑफ लूप और नंबर ऑफ टर्न्स और लूप क्या होगा, इफ इफ नंबर ऑफ टर्न्स और लूप और नंबर ऑफ लूप्स इज क्या होगा एन, देन देन मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होगा एन आई ठीक है, क्या होगा एन आई। जैसे देखो यहाँ सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो तुम, कुछ नहीं है इसमें, कि यहाँ आपसे कोई पूछे कि ये स्क्वायर है, यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें आई साइड लेंथ मान लो कि क्या है ये दिया, ठीक है। तो ये फिगर क्या हुआ, ये हुआ, यहाँ ये स्क्वायर लूप है, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। अब आपको इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाए, पूछा जाए कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, देखो यहाँ क्या होगा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा देखो किधर होगा, करंट के डायरेक्शन देखो, यहाँ करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो और थंब का डायरेक्शन देखो, तो आउट हो रहा है, ये किधर हो रहा है, यहाँ देखोगे तो यहाँ क्या होगा एम इज इक्वल टू क्या होगा अगेन आई ए स्क्वायर, लेकिन नहीं यार दोनों केस सेम हो गया क्या, डायरेक्शन चेंज कर दो, तो ये करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर हमने कर दिया, तो यहाँ करंट का डायरेक्शन देखो किधर, आई मीन करंट का डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हो तो थंब किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ। उसके बाद और देखो, इसके बाद यहाँ आप देख सकते हो एक और एग्जांपल देखो, फिगर्स, एक लैटरल ट्रायंगल है, यहाँ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ए बी क्या है, करंट आई फ्लो हो रहा है, साइड लेंथ क्या है, तो यहाँ भी एम जब लिखोगे मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा, किधर होगा डायरेक्शन किधर होगा, अंदर होगा, देखो ध्यान से अंदर होगा, तो हम क्या लिखेंगे रूट थ्री अपॉन फोर ए स्क्वायर इंटू क्या होगा, ठीक है।
अब क्या होगा, मोर देन वन लूप हो, क्या होगा मोर देन वन लूप हो, जैसे यहाँ देखो आप, आपसे एक एग्जांपल और पूछा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यदि मोर देन वन लूप होगा तो नेट मैग्नेट, तो यहाँ लिख देते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि इफ मोर देन क्या होगा, मोर देन वन करेंट कैरिंग लूप आर देयर देन क्या होगा, देन m इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर m इज इक्वल टू m1 वेक्टर क्या होगा, m2 वेक्टर, m3 वेक्टर एंड सो। m1 क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू फर्स्ट लूप, m2 क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू सेकंड लूप, m3 क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू थर्ड लूप एंड सो ऑन। जैसे कि एग्जांपल देखो आप तो आपको मालूम चलेगा कि इसे देखो यार, कि दो सर्कुलर लूप है, एक क्या है देखो, एक ऐसे है और एक ऐसे है, इसमें मान लो कि क्या है आई, और इसमें भी करंट हम मान लेते हैं आई, ठीक है, इसका रेडियस क्या है अगेन आर है, और इसका भी रेडियस हम क्या मान लेते हैं, ये दोनों का रेडियस जो है वो क्या है आर मान लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न क्या एक है। अब आपसे कोई पूछे कि ये क्वेश्चन समझ में आ रहा, देखो एक लूप ऐसे है और दूसरा लूप ऐसे है, तो यहां जब आप देखोगे इस केस में एक लूप ही हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा लूप, तो यहाँ आप देखोगे कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इसके द्वारा किधर होगा, इधर होगा, और इसके द्वारा क्या होगा, आउट होगा, आई मीन देखो एक इसके द्वारा क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा और इसके द्वारा इधर होगा, दोनों के बीच एंगल क्या होगा, क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ, एम वन क्या लिखेंगे, एम वन आई मीन एम वन इक्वल टू एम टू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई इंटू पाई क्या होगा, ठीक है, आई इंटू क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ लिख सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, दो लूप है तो दो मैग्नेटिक मोमेंट होंगे, और यहाँ नेट मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर प्लस टू एम वन एम टू कॉस 90, यही है ना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट टू इंटू कितना हो जाएगा आई, पाई क्या हो जाएगा, तो ऐसे हम क्या करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या करते हैं फाइंड आउट। कभी कभी क्या है देखो, कुछ कुछ कभी कभी क्या होगा, सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक है, जब आपको क्या है डायरेक्शन समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना रहता है वहाँ, कि अलग तरह से सोचना रहता है। अब एरिया जब आपको वेक्टर कुछ समझ में नहीं आए तो एरिया को हम कुछ अलग तरह से लिखेंगे, जैसे देखो एक एग्जांपल यहाँ है, कभी कभी क्या है करंट आपको क्या करना है अपने से कंसीडर भी कर लेना रहता है, क्या करना रहता है कंसीडर भी कर लेना। अब आपसे कोई पूछे सिंपल, देखो इसका ये एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ऐसे दिया हुआ है देखो, ऐसे ऐसे है ना, ऐसे दिया। अब देखो यार ये लूप नहीं है यार, है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है, ये लूप नहीं है, यहाँ पूछा गया एक्सेप्शनल है ना, और इम्पोर्टेंट और भी दो तीन एक्सेप्शनल पॉइंट बताऊंगा मैं जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यही क्या है सेंटर है, ठीक है, अब यहाँ लूप नहीं फॉर्म हो रहा है, है ना, लूप नहीं फॉर्म हो रहा है, तो आप यहाँ बोलोगे कि सर यहाँ तो लूप ही नहीं फॉर्म हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट हम कैसे निकालें, तो इसको हम दूसरे तरह से भी क्या कर सकते हैं सोच सकते हैं, कैसे सोचेंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ हम क्या करेंगे कि देखो करंट क्या है इस वायर में, एक तरफ से जितना करंट इधर फ्लो करा दें इधर, उतना ही इधर से फ्लो करा दें, किधर से, इधर से, ये इधर आई
एक ही साथ है, देखो ध्यान से, थोड़ा अलग मैंने दिखाया है, तो अभी भी क्या है, नेट करंट जीरो है, लेकिन ये वाला क्या हो गया, अब एक सर्कुलर क्या हुआ, लूप बन गया, ठीक है। तो कभी कभी क्या है, नेट करंट जब जीरो दिया हुआ हो तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, करंट कंसिडर करके, और फिर हम क्या कर सकते हैं, लूप कंसिडर करके क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं आई इक्वल टू सिंपल, आई मीन मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई टू इंटू आई, और डायरेक्शन क्या होगा, इंटू द बोट होगा। तो ऐसे हम क्या करते हैं, कभी कभी कंसिडर कर लेते हैं, क्या करते हैं, हम कभी कभी कंसिडर ऐसे केसेस भी कर लेते हैं। जैसे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में कुछ नहीं है, क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ द लूप इंटू क्या होगा, करंट, एरिया ऑफ द करंट कैरिंग लूप इंटू करंट, प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ द करंट कैरिंग लूप एंड करंट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मोमेंट। दूसरा एक एग्जांपल देखो, कि यहां कुछ ऐसे है, कभी कभी एरिया जब लिखना, मैं बता दूंगा कि एरिया वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ध्यान, ये क्या है, दिस इज ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना आपको। तो यहां जैसे देखो, इसको ट्राई कर लेना तुम लोग, है ना, या ऐसे, इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है, यहाँ एक लूप दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखो एक यहाँ भी क्या है, ठीक है, ये स्क्वायर लूप है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना, क्योंकि ड्राइंग जो है वो उतना अच्छा नहीं है, कुछ ऐसे, मतलब आपको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है, फिर आपको समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा और इसको बढ़ा कर, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, सॉरी क्या है, जेड एक्सिस। देखो ऐसे आप समझोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये ऐसे है, देखो एक ये क्या है, वाई एक्स ऐसे है भाई, अरे जेड प्लेन क्या होगा, ऐसे होगा ना, जेड प्लेन यहाँ आउट मानो ऐसे, एक जो एरिया बन रहा है ऐसे, और एक क्या ऐसे बन रहा है। अब यहाँ करंट का डायरेक्शन कुछ अलग दिया हुआ है, सोच करके बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ चलो हम करंट ऐसे मान लें, अब देखो ये क्या है, ये एक्स वाई प्लेन में एरिया है और ये वाई जेड प्लेन में है, ये वाई जेड प्लेन में है ना यार, ऐसे नहीं है कि दोनों सेम प्लेन में है, तो हम क्या करेंगे, अब दो या ये बनेगा, है ना, दो क्या होगा, अब आप क्या करोगे, इसका यदि साइड लेंथ हम मान लें, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपसे कोई पूछे कि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, करंट कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आप यहां भी देखोगे तो देखो यहां से इधर से एक ऐसे सोच सकते हैं, इधर 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 मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, देखो यहां से हम मान सकते हैं कि इधर इस लूप में करंट कैसे आ रहा है, ऐसे, और इस लूप में करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अभी भी तो नेट करंट क्या है यार, जीरो ही है ना, अभी भी नेट करंट क्या है, जीरो है, ठीक है, क्या है, अभी भी नेट करंट क्या है, जीरो है। यहां आप ध्यान से देखोगे तो यहां जो एरिया का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर होगा यार, तो माइनस के कैप होगा, इधर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा। दूसरा यदि आपको नहीं आता है तो देखो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट से भी एरिया लिखते हैं, मैं बता दूंगा। तो अब क्या करोगे, आप आसानी से क्या करोगे, दो करंट कैरिंग लूप मिल गया, ठीक है, तो अब आप आसानी से क्या कर सकते हो, दोनों लूप का अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर कैलकुलेट करके दोनों, देखो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, यदि एक्स एक्सिस है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, निगेटिव एक्स। तो हम यदि कंसीडर कर लें, इसको M1 मान लें,
इसको m1 और ये क्या हुआ m2, तो m1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो वेक्टर फॉर्म में लिखे m1 इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर i इनटू क्या होगा माइनस k कैप, समझ में आया ना, क्योंकि यहां देखो ये k कैप क्या है इनटू द बोर्ड है, k कैप माइनस k कैप। उसी तरह m2 इज इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर i इनटू क्या होगा, देखो इधर इधर ऐसे सोचो कि ये लूप ऐसे है तो करंट मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो माइनस आई कैप। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द लूप कितना होगा एम वन प्लस क्या हो जाएगा एम टू हो जाएगा, और एम लिखोगे तो क्या होगा रूट टू म्यू नेट रूट टू आई क्या होगा ए स्क्वायर। तो कभी कभी क्या है ये आईआईटी में क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना, तो कभी कभी क्या है कि जब करंट नहीं दिया रहेगा किसी लूप में जीरो करंट है तो लूप आपको हमेशा फॉर्म करना है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने वक्त, तो क्या करना है उस ब्रांच में क्या करना है करंट कंसीडर कर लेना है अपोजिट डायरेक्शन में, सो दैट नेट करंट ऑलवेज क्या होगा अभी भी क्या होगा, देखो इधर हमने आई मान लिया तो एक लूप हो गया, इधर भी हमने आई इधर से मान लिया तो एक लूप हो गया, अगेन दोनों को ज्वाइंट करोगे तो क्या हो जाएगा इधर करंट क्या होगा जीरो ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको क्या करना है ध्यान देना है ना, क्या करना है ध्यान देना। दूसरा एक क्वेश्चन मैं देता हूं होमवर्क जो आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो कभी कभी एरिया देखो नोट में यहां लिख लेना तुम लोग है ना, कि यदि ऐसे दिया हुआ है एरिया आपको वेक्टर में लिखना है ऐसे, देखो ऐसे करंट दिया हुआ है ए बी सी डी, तो इसका एरिया ऑफ द लूप क्या होगा एरिया वेक्टर ऑफ द लूप क्या होगा ए बी क्रॉस क्या होता है बी सी, ऐसे भी हम लिखते हैं ये कभी कभी, दिस इज एरिया ऑफ द क्या लूप एरिया वेक्टर ऑफ द क्या होगा। दूसरा एक एग्जांपल देख लो जो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ना, देखो क्या है ये साइड लेंथ दिया हुआ है, ठीक है साइड लेंथ आप ये मान लेना आई मीन स्क्वायर लूप है, ठीक है। पहले देखो क्या था ये ऐसे था, देखो ध्यान से ये ऐसे था ऐसे ऐसे था है ना ऐसे, अब थोड़ा सा इसको क्या किया गया टिल्ड कर दिया गया, तो ये स्क्वायर लूप है, ये वाला जो एंगल दिया हुआ है ये मान लो क्या है थीटा, मैं जनरल रिजल्ट बता रहा हूँ, और थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए आप चेक कर लेना 30 डिग्री के लिए आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्या है यहाँ जब आप देखोगे तो इधर से हमने करंट आई इधर आई और इधर भी क्या होगा साइड लेंथ क्या दिया हुआ ये दिया हुआ, तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, और स्केलर तो आसान है यार वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर लिखना है, ये ऑप्शन मुझे याद नहीं है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट वेक्टर ऑफ द क्या होगा लूप एज शोन इन द फिगर शोन इन द, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड आज हमने पढ़ा, इसके बाद वाले अभी नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद सोलेनोइड और टोरॉइड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मैग्नेटिक फील्ड उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में आज के लेक्चर में बस इतना ही, आप लोग इस पे मैग्नेटिक मोमेंट पे प्रैक्टिस करना क्योंकि आगे भी हम पढ़ेंगे जब टॉर्क निकालना होगा तो वहाँ इसका यूज होता है, लेकिन बाद में हम देखेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके थैंक यू।